हेलो सो गाइस, आ गए आप सब। सो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल रामकीत अकेडमी में। सो ये हमारा आ गया है अब इंग्लिश मुट्ठी में का सेकंड पार्ट, जिसमें पहले पार्ट में हम लोग ने नाउन का डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, जितना भी मतलब कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है उसके बेसिक्स पे सारा क्वेश्चन किया था। और आज का पार्ट है भाई प्रोनाउन, प्रोनाउन का सेकेंड पार्ट है जिसमें अब इंग्लिश मुट्ठी में। सो इसका सेकेंड पार्ट है प्रोनाउन। सो प्रोनाउन में आज हम पूरा प्रोनाउन कंप्लीट करेंगे इस सेशन में, और जितना भी जैसे भी कम्पिटिटिव में पूछा जाता है जो एरर्स फाइंड करने के आते हैं सारा, जिसमें एरर्स कैसे क्या होता है सब कुछ बहुत अच्छे से देखेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सबसे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन कर लो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का प्रोनाउन। सो नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। सो नाउन में हमने सीखा था जो नेमिंग वर्ड होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। सो प्रोनाउन अब क्या बोलता है, प्रोनाउन का सिंपल सा डेफिनेशन है कि नाउन के स्थान पे, नाउन के जगह पे प्लेस करने वाले इस वर्ड को प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब राम, ऐसे समझना राम, राम को क्या लिख सकते हैं, राम के जगह पे मैं इससे ही लिखूंगा, बिकॉज राम इज अ मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर इसलिए यहाँ पे ही लिखा। अगर यहीं पे मैंने सीता लिखा होता, अगर मैंने यहाँ पे सीता लिखा होता तो यहाँ पे सी हो जाता। तो जो राम है यहाँ पे, राम है नाउन, ओके राम है नाउन, जबकि ही है प्रोनाउन। सो समझ में आया भाई, राम के स्थान में मतलब इसके जगह पे इसको अगर मैं रिप्लेस करूंगा, इसे हटा के इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा। जैसे ऐसे समझिए, अगर कोई कहानी लिखनी है राम के बारे में, मुझे कुछ लिखना, राम घर जाता, राम खाता, राम राम आज नहीं आया, राम कल आएगा। सो राम राम कह के कितना राम बोलोगे। सो राम को रिप्लेस करके वहां पे मैं ही का यूज करूंगा, ही वो आएगा, वो जाएगा, वो खाएगा। सो उसी शब्द को, उसी वर्ड को प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन का अब डेफिनेशन समझ में आया कि नाउन के जगह पे प्लेस होने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। बस इतना समझो और कुछ नहीं समझना है। प्रोनाउन, प्रोनाउन के डेफिनेशन में बस इतना समझना है कि नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाला। सो हमने इतना जान लिया कि मतलब नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज होगा उसे प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। सो इसे हम बोल सकते हैं द वर्ड विच इज यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन इज नोन एज व्हाट, प्रोनाउन। तो भाई अब बोलना, समझ में आया ना, इतना बस हमको पता करना। अभी मैं प्रोनाउन का भी डेफिनेशन बता रहा हूँ, बस उसको समझो। इतना जानना है कि नाउन के जगह पे जो प्रयोग किया जाएगा जो वर्ड, दैट्स अ प्रोनाउन। अब कुछ प्रोनाउन होते हैं जैसे ही, सी, इट, दे, देयर एंड सो ऑन, मेनी प्रोनाउन आर देयर, ठीक है। सो ये सारे प्रोनाउन है। अब एक ही जो है, ही की जगह पे राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इट की जगह पे कोई टेम्पल हो सकता है, हो सकता है ना, उसके जगह में, टेम्पल के जगह में इट मैंने यूज कर दिया। आप समझ में आया भाई, बस इतना यूज करना है। तो हमको बस इतना समझना था डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन हमने सीख लिया, बस डेफिनेशन के बारे में इतना। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। सो आज हम लोग नाइन टाइप तो हैं, ठीक है। इन नाइन टाइप्स में ट्राई करेंगे कि सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। बट सो सबसे पहला जो होता है पर्सनल प्रोनाउन, क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन, तो चलिए लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ओके, सो टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन से मतलब होता है पर्सनल होगा, ऐसी कोई बात नहीं है पर्सनल प्रोनाउन, डे ऐसी बात भी है पर्सनल है, डे है पर्सनल। अब इसके भी कुछ टाइप होते, इसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो पर्सनल में पर्सन होते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीन पर्सन होते हैं। अभी पर्सन क्या होते हैं भाई, पर्सनल प्रोनाउन क्या 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 हो सकते हैं, ही, सी, यू, योर एंड सो ऑन। So, ये सारे जो है पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसको समझते हैं फर्स्ट और थर्ड सेकंड क्या होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं, फर्स्ट पर्सन समझते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है, स्पीकर, स्पीकर जो बात कर रहा है,
जो बोल रहा है जिसके बारे में कुछ नहीं, उससे मैटर नहीं लगता, जो बोल रहा है वो भी वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या क्या है, आई वी, आई वी जो है फर्स्ट पर्सन, इसी में जो मी है माइन है वो सारा है, ठीक है, मी माइन। ये जो आपका है आई वी, अब कैसे आई वी फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मैं जो हूँ ना फर्स्ट पर्सन, जिससे बोल रहा हूँ वो सेकेंड पर्सन में आएगा, जिससे बोलूंगा वो सेकेंड पर्सन में आएगा, समझना बात को। मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग वीडियो देख रहे हो, आप सब वीडियो देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप सब वीडियो देख रहे हैं, तो जो आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जनरली मतलब समझिए ऐसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप जो रहे ना थर्ड पर्सन। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ भैया, मैं प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रोनाउन इज अ थर्ड पर्सन हियर। इस केस में मतलब इस वीडियो के केस में मैं बोल रहा हूँ आप सब समझ रहे हैं, तो आप सेकंड पर्सन हुए, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, किसके बारे में बात करें, ये डिस्कशन कैसे किसके बारे में चल रही भैया, डिस्कशन प्रोनाउन के बारे में चल रही, प्रोनाउन थर्ड पर्सन हो रहा है, आप समझ में आया। मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाला क्या है फर्स्ट पर्सन, जिससे बोल रहा है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बोल रहा है थर्ड पर्सन, आप समझ में आया एकदम। अब भी फर्स्ट पर्सन आई वी हो गया, ओके, सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा, सेकंड पर्सन यू ना, आप ही बस हैं और कोई है नहीं, बस यू जस्ट सेकंड पर्सन, यू योर, ओके फाइन, कुछ नहीं है सेकंड पर्सन। अब देखिए थर्ड पर्सन, भाई थर्ड पर्सन तो कुछ भी हो सकता है ना, वह यह वे, कुछ भी हो सकते हैं वे, तो जितने बच रहे हैं ना सब थर्ड पर्सन लिख देते हैं, ही सी इट यू सॉरी दे एंड नेम, किसी का नाम, फाइन है ना। सो अब समझ हमारा कॉन्सेप्ट क्या था समझाने का, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा मैं बात कर रहा हूँ, दैट मतलब मैं क्या हो गया फर्स्ट पर्सन, किससे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आप यू से बात कर रहा हूँ, यू 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 आर यू मतलब आप ही यू हैं, सो यू से मतलब सेकंड पर्सन में आएगा। थर्ड पर्सन किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वी के बारे में, इसके बारे में, इट के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूँ, सो वो किस में आ जाएगा, थर्ड पर्सन में। आप समझ में आया, बात को क्लियर समझना, कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूँ, ओके। सो अभी पर्सनल प्रोनाउन का, अब इसका मैं एक चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसी चार्ट पे सब बेस है, उसी चार्ट को आपको समझना है और अच्छे से समझाऊंगा, बस देखते हैं, चलिए चार्ट देखते हैं। सो गाइस आपके सामने चार्ट बन के आ चुका हुआ है पर्सनल प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का, ये पर्सनल प्रोनाउन का है, हाँ। सो पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन भी देखते हैं, फर्स्ट पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं भाई, आई एंड वी, हमने सीखा आई एंड वी इज द फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे लिख देते हैं आई और वी जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, क्या है फर्स्ट पर्सन है। अब देखिए नंबर सिंगुलर और प्लूरल, इसमें जो आई है सिंगुलर है और वी जो है प्लूरल है, ठीक है, इतना समझना। एक आई का कॉन्सेप्ट अभी बताने वाला हूँ, सुनिएगा, पहले इसे देखते हैं, सिंगुलर आई और प्लूरल वी। सो नॉमिनेटिव केस में आई, मतलब सब्जेक्टिव केस में आई को आई लिखेंगे, वी, फिर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट में जब जाएगा आई तो मी बन जाएगा, आई मी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा, और वी में वी जब जाएगा अस में, अस हो जाएगा एकदम। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे लिखा है राम इज प्लेइंग, यहाँ पे राम जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पे ई जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है आपका वर्ब है, इन द गार्डन अगर लिख दें तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना यही जो है आई ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मी में, बस इतना याद रखिए, समझ गए, बहुत सही। अब देखिए पोसेसिव, पोसेसिव में मतलब पोसेशन जताना होता है, सो ये टू टाइप के होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव एडजेक्टिव में मी माई हो जाएगा, आई जो है माई हो जाएगा, और वी जो है आवर हो जाएगा, आर हो जाएगा, लेकिन प्रोनाउन की बात करेंगे तो माइन हो जाएगा और आर हो जाएगा, ठीक है, आवर्स हो जाएगा, यहाँ पे आवर थे, यहाँ पे आवर्स हो जाएगा, यहाँ पे माइन। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना है क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। सो ये पोसेसिव जो एडजेक्टिव होता है, माई आवर्स, अब देखिए योर्स हो गया, तो अब इसको मैं सब्जेक्ट बना के लिख सकता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट की, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है माइन हैव समथिंग आवर्स एंड आवर, इसको हम सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है, आपको समझना है, इसको सब्जेक्ट भी, पोसेसिव एडजेक्टिव माई और आवर होता है। अब देखिए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में यू बस होता है, सिंपल, सिंगुलर यू, प्लूरल यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों में हो जाता है,
अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है यू 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 ही रहता है, योर्स नहीं होता है, समझिएगा यू ही रहता है। फिर पोसेसिव केस में आएंगे तो पोसेसिव एडजेक्टिव योर हो जाता है, योर हो जाता है, लेकिन प्रोनाउन में योर्स हो जाता है। अब इस योर्स को ऐसे क्वेश्चन में दे देगा, योर्स हैव अ गुड डे टुडे, तो योर्स हैव अ जो आ गया योर्स मैंने लिख दिया, तो आप सोचेंगे नहीं भाई ये योर्स जो है सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन भाई जो मैं बोल रहा हूँ प्रोनाउन जो है ना ए सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ए नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो यू आपको पता रहना चाहिए कि योर और योर, योर और योर्स मतलब कौन पॉजिटिव और कौन पॉजिटिव एडजेक्टिव और कौन पॉजिटिव प्रोनाउन, आपको पता रहना चाहिए। इतना बात क्लियर हुआ फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, अब थर्ड पर्सन का देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थर्ड पर्सन को चार्ट बनाते हैं। हाँ तो इस थर्ड पर्सन का देख लेते हैं, नंबर नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। सो इसमें सिंगुलर प्लुरल भी होंगे क्योंकि ये भी तो है प्रोनाउन, तो इसमें सिंगुलर प्लुरल होना बेसिक है। सो देखिए ही क्या है, सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, बट जबकि दे क्या आपका प्लुरल है, दे प्लुरल है, सिंपल कि वे मतलब ज्यादा लोग हैं तो प्लुरल नहीं आ जाएगा। तो देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, इसका ऑब्जेक्टिव होगा हिम, सी का हियर, इट का इट एंड दे का देम होगा, सिंपल है। फिर अब देखिए इसका पॉसेसिव होगा हिज हर, हिम का हिज हर, इट इट्स देम देयर, फिर हिज का पॉसेसिव प्रोनाउन होगा हिज, फिर सी का हर्स हो जाएगा। इट्स का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट्स का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, आपको पता रहना चाहिए क्या होता है, इट्स होता है, ठीक है। अब देखिए देयर 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 देयर, यहाँ पे यस लग जाएगा किसमें, प्रोनाउन में, ओके। सो ये था, अब देखिए ये हर्स है, अब कह सकते हैं हर्स हैड अ ब्यूटीफुल कार, तो अब हर्स इट्स लाइक अ नेम बट नॉट, इट्स नॉट अ नेम, इट्स अ प्रोनाउन। सो यहाँ पे हर्स जो आपको देखने को मिल रहा है ये सब्जेक्ट, अब कुछ लोग बोलेंगे रॉन्ग है, नहीं भाई ये सही है, ये सही है, क्योंकि मैंने बोला था ये पॉसेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट पे लिख देंगे, सब्जेक्ट के जगह लिखेंगे इसको, ठीक है। सो एरर में पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, तो एरर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो कुछ लोग गलत कर देते हैं, तो आपको नहीं करना है, ठीक है। सो ये था, मैंने बोला था आपको अभी पीछे ही रिमाइंड कीजिए, रिमाइंडर देख सकते हैं, मैंने बोला था आई, भाई आई का बहुत बड़ा फंडा है, मतलब आई इतना कंफ्यूज करता है कि क्या बोले, कहीं प्लूरल हो जाएगा, कभी वाज रहेगा उसके साथ, कभी हैब लग जाएगा, समझिएगा, कहीं आई के साथ डू का यूज होता है, तो यहाँ पे आई मतलब क्या हो गया, प्लूरल, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, और कहीं आई के साथ वाज होता है, यहाँ पे सिंगुलर हो गया, है कोई जवाब, मतलब क्यों ऐसा क्या है। तो चलिए इसी बात को समझते हैं, इस बात को समझने के लिए एक क्वेश्चन करूंगा, उतने में आंसर सबको मिल जाएगा, समझिएगा। सिंगुलर वर्ब को सुनिएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ होता है, समझिए सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ होता है, बस इसका आंसर दे दो ना, आंसर मिल जाएगा, अगर इसका आंसर दे दिया तो आंसर मिल गया, जी हाँ अगर दे दिया तो आंसर मिल गया। सो बच्चे क्या बोलते हैं ना, इसका आंसर आप सब क्या बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसका आंसर यही बोलोगे ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। भाई सिंगुलर वर्ब का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, कैसे, आप आपके अकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, जैसे ही इज प्लेइंग, ये सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो बोलोगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज है, बस यही बोलोगे ना, बट नहीं ऐसा नहीं होता है, इसीलिए तो गलत होता है। क्या होता है, सही आंसर है, सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है थर्ड पर्सन, समझिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसको याद रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एकदम बस इसी को याद रखना, सिंगुलर वर्ब का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का
साथ होता है। अब कैसे बोलता था हूं, जैसे मैंने सेंटेंस लिया था ही इज प्लेइंग, ओके, आप बोलोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर है मतलब उसमें दे भी आता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो दे कैसे आएगा भैया, समझ में आया ना? तो देखो ही क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया और ये सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखो ये क्या है, सिंगुलर वर्ब, आप समझ में आया? बस इस चीज को आपको याद आपको क्लियर रहना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का यूज किसके साथ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, इस चीज के बारे में एकदम श्योर रहिएगा। एग्जाम्पल मैंने दे दिया था जैसे ही वॉज प्लेइंग, तो ही क्या है, ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है और वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो बस इस चीज की आप एकदम श्योर रहिएगा, क्लियर रहिएगा, एकदम क्लियर एंड कट, किसी का जवाब देना रहेगा तुरंत दीजिएगा। हाँ सो भाई, अब हमने पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में उसका जो चार्ट था अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब इसका रूल सीखते हैं, रूल, रूल क्या बोलता है, इसमें रूल है जिसके जरिए आप जो एरर फाइंड करने रहते हैं आसानी से बता देंगे। तो चलिए सात आठ रूल है, बहुत अच्छे से देखिएगा बारी बारी से, चलिए बारी बारी से रूल देखते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन का रूल है जिससे हम एरर्स को अच्छे से रिकग्नाइज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कहाँ एरर है कहाँ नहीं है, ठीक है। सो रूल क्या बोलता है, पहला दूसरा रूल है, अभी बहुत से रूल हैं, अभी बारी बारी से देखेंगे। सो पहला रूल क्या बोलता है, इट इज, सॉरी, इट के बाद इज और वॉज रहे, ठीक है, सुनिएगा, इट के बाद इट इज और वॉज रहे, इट के बाद इज और वॉज रहे प्लस पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन आपको पता है ये क्या, कौन कौन से हैं, पर्सनल प्रोनाउन रहे तो उस चीज को, जो पर्सनल प्रोनाउन उसको सब्जेक्टिव केस मिलेंगे, किस मिलेंगे, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लेंगे, सब्जेक्टिव केस में, वो सब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए, अगर ऑब्जेक्टिव केस में तो मतलब वो रॉन्ग है। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज आई, इट इज आई कर इसके बाद अगर रहे तो ये पर्सनल प्रोनाउन कोई रहे तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो है ना सब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए। तो यहाँ पे आई जो है सब्जेक्टिव केस में है, हु हैव हेल्प्ड यू, और इस सेकेंड सेंटेंस में देखिए इट इज मी, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये सब्जेक्टिव में है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में रहना चाहिए, तो एक सही है ये रॉन्ग हो जाएगा। अब आए समझ में, ये सब्जेक्टिव में, तो इट और इज इस चीज को आपको याद रखना है, यहाँ पे वॉज भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो आएगा, जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा हमेशा सब्जेक्टिव में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं रहेगा, बस ये सेकेंड फर्स्ट रूल बोलता है। सेकेंड क्या बोलता है, टू प्रोनाउन अटैच्ड एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, दो प्रोनाउन यहाँ पे देखिएगा, दो प्रोनाउन एक वर्ब से जब अटैच रहते हैं सो उससे वो दोनों प्रोनाउन जो है सब्जेक्टिव केस में रहने चाहिए, किस में रहना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए। जब दो प्रोनाउन वर्ब से अटैच रहते हैं वो दोनों किस में होने चाहिए, सब्जेक्टिव केस में। तो इसमें देखिए यू क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में, सो ए रॉन्ग हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे यू क्या है, अब ए दोनों यहाँ से इससे अटैच है तो ए क्या है, सब्जेक्टिव है, और आई जो है सब्जेक्टिव, मतलब ए सही सेंटेंस है। आप समझ में आया, बोलना एकदम सही से, समझ में आया कि नहीं, क्या था इसमें, इट था, इट के बाद इज वॉज रहेगा, हमेशा वो सब्जेक्ट में रहेगा, इट के बाद इज वॉज आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो उसके बाद पर्सनल आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव में रहेगा, सब्जेक्टिव में रहेगा, इज इज सॉरी इट रहेगा, इट इट इज वॉज, इट इज वॉज, और उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव में रहेगा। फिर दो सब्जेक्ट, दो प्रोनाउन जब वर्ब के पहले आएंगे अटैच करके आएंगे तो हमेशा वो सब्जेक्टिव में रहेंगे। ये दो रूल था, समझ में आया, बहुत सही। कंपैरिजन डायरेक्टली विद सब्जेक्ट, जब कोई सेंटेंस में कंपैरिजन डायरेक्टली विद सब्जेक्ट से डायरेक्टली कंपेयर कर रहा है सब्जेक्ट सब्जेक्ट से, तो पर्सनल प्रोनाउन आफ्टर दैन एंड एस, कंपैरिजन दैन और एस से, एस से दिखाया जाता है, तो जो आफ्टर दैन और एस के बाद जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा, किस में रहेगा, सब्जेक्टिव में रहेगा। जब किस में रहेगा, जब डायरेक्टली सब्जेक्ट से दिखाएगा तो सब्जेक्टिव में हो जाएगा, और कंपैरिजन भी जब ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन दिखाएगा तो वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में, जब ऑब्जेक्ट से दिखाएगा ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन दिखाएगा ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, सब्जेक्ट से दिखाएगा सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। इतना समझ में आया, अब देखिए एग्जांपल से समझ में आएगा, राम इज बेटर देन मी, अब ये जो राम है डायरेक्टली कंपैरिजन दिखा रहा, मतलब
इससे मी से बेटर है, राम बेटर है, ठीक है। तो कह रहा है जब कंपैरिजन डायरेक्टली भी सब्जेक्ट से कंपैरिजन बता रहा है, तो देन के बाद जो पर्सनल प्रोनाउन है, देन के बाद जो ये पर्सनल प्रोनाउन है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहता है। तो बताइए मी क्या सब्जेक्टिव केस है? नो, इट्स अ ऑब्जेक्टिव केस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए राम इज बेटर देन आई, देन के बाद आई है, आई किस में? सब्जेक्टिव केस में है, तो मतलब ये सही हो जाएगा। समझ में आया? बस इतना जानना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था। अगर डायरेक्टली सब्जेक्ट से बताएगा, सब्जेक्ट से डायरेक्टली बताएगा, तो हमेशा सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। देन और एज के बाद जो देन और एज कंपैरिजन बताता है, देन और एज के बाद जो आपका पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा, नॉट ये ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा। सब्जेक्ट से दिखा रहा है इसलिए सब्जेक्टिव केस में। आप देखिए सेकेंड बोला था कंपैरिजन विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दिखाएगा, देन एस के बाद जो आपका पीपी रहेगा मतलब पर्सनल प्रोनाउन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, राम कंसिडर यू बेटर देन आई, राम कंसिडर कर रहा है उसको। अब इसकी बता रहा है इससे, इसका कंपैरिजन बता रहा है कि उससे कंसिडर कर रहा था बेटर देन आई। अब देखिए बोला था ऑब्जेक्ट से पीपी के बाद मतलब बेटर देन के बाद, देन के बाद जो आपका पीपी रहेगा पर्सनल प्रोनाउन रहेगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए। बट देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे सब्जेक्टिव है तो पहले ही रॉन्ग हो गया। अब देन के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मतलब ही सही है। तो ऐसे निकालना, आपको ऐसे समझना, ऐसे ही दे देगा, ऐसे दे देगा, दो सेंटेंस दे देगा, सो ऐसे दो सेंटेंस दे देगा, आपको पता करना रहेगा। तो आपको पता है अब कंपैरिजन ये बता रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता रहा है कि इससे ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन बता रहा है, इससे बता रहा है। अभी आई सब्जेक्ट में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, तो ऐसे आपको पता करना। सो अब फोर्थ रूल क्या बोलता है? फोर्थ रूल बोल रहा है टू पर्सन अटैच अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अभी पीछे हमने पढ़ा, शायद फर्स्ट में पढ़ा था, नहीं सेकेंड में पढ़ा था, वो अब सब्जेक्ट से बता रहा था डायरेक्टली वर्ब से। दो दो यहाँ पे आ रहे थे, आई एंड मी आर प्लेइंग समथिंग, कुछ भी है, दो सब्जेक्ट रहे, सब्जेक्ट से अटैच रहता है वर्ब, वर्ब के पहले दो सब्जेक्ट, दो पर्सनल प्रोनाउन रहेगा तो हमेशा सब्जेक्टिव में रहेगा, सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव में रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दो प्रोनाउन अटैच एस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अटैच हैं वर्ब से, तो हमेशा किस में रहेंगे, जो पर्सनल प्रोनाउन रहेगा वो हमेशा रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में। किस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में। सो एग्जाम्पल देते हैं, द प्रिंसिपल अलाउड ही एंड आई। अब देखिए अलाउड है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखा गया है, किसके किसके मतलब किसके अटैच में, सब वर्ब के अटैच में। तो ये जो ही और आई है ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ये हमेशा किस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में। क्या ही ऑब्जेक्टिव केस है? ही इज नॉट ऑब्जेक्टिव केस, ही सब्जेक्टिव केस है, और आई भी सब्जेक्टिव केस है। हम नीचे आके देखते हैं, ही में क्या ऑब्जेक्टिव केस है? जी हाँ ऑब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव, इसीलिए तो चार्ट बनवाया है, चार्ट बनवाया, अच्छे से समझिएगा। हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब बोलो समझ में आया? ये आपका हिम और ये मी, ये क्या है? दोनों ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए यहाँ पे राइट, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। सो ये था फोर्थ रूल। अब चलिए लेट वाला यूज देखते हैं, लेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, बात उसको करते हैं चलिए। फिफ्थ रूल की, जो मैं लेट की बात किया हूँ अभी। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन ऑफ अ ऑब्जेक्टिव केस, इसे आप देखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर लेट बिटवीन फॉर एट एंड ऑन, इन सारे वर्ड के बाद जो पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा ओसी में रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, लेट आई गो होम, मैंने बोला लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए प्रोनाउन, यहाँ पे किसमें है? सब्जेक्टिव में, से टोटल रॉन्ग हो गया। अब देखिए लेट मी गो होम, तो मी क्या है? ऑब्जेक्टिव में है, सो मीन्स ये सही है। अब नेक्स्ट बोलता है, नेक्स्ट क्या बोलता है? करा ऑब्जेक्टिव केस यूज आफ्टर जिरंड, जो ऑब्जेक्टिव केस है जिरंड के बाद, जो आईएनजी वाला होता है, प्लेइंग डूइंग समथिंग, कुछ भी आईएनजी वाले होते हैं वो जिरंड होते हैं, उसके बाद जो है, जो आपका पीपी आएगा उसके बाद, आईएनजी वाले वर्ब के बाद जो आपका पीपी आएगा वो हमेशा ओसी में रहना चाहिए, ओसी में रहना चाहिए। और जबकि जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, पोसेसिव प्रोनाउन जिरंड के पहले लगता है, जिरंड के पहले लगता है,
आईएनजी वालों के पहले लगता है। एग्जांपल से समझते हैं, टीचिंग ही वॉज नॉट प्लीजेंट बोल रहा है जीरेंड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव में रहना चाहिए, बट यहाँ में तो भैया सब्जेक्टिव में दिख रहा है, तो मतलब ये रॉन्ग हो गया। अब देखिए, टीचिंग ये जीरेंड हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्टिव में रहना चाहिए हिम। क्या है? ऑब्जेक्टिव है। हाँ सही है, वॉज नॉट प्लीजेंट, मतलब ये सही है। तो एक केस था कि वाइल पोसेसिव और जीरेंड के पहले पोसेसिव प्रोनाउन लगता है। अब देखिए, आई लाइक हिम टीचिंग क्या है? जीरेंड है। यहाँ पे टीचिंग हो गया जीरेंड, इसके पहले पोसेसिव प्रोनाउन, हिम पोसेसिव प्रोनाउन ना, आप लोग आपको चार्ट बनवाया था अच्छे समझिएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हिम है, इसीलिए तो सही हो गया यहाँ पे। तो आपको ये बताना जरूरी था कि देखिए एग्जाम्पल क्या था, जीरेंड के पहले अगर आएगा जीरेंड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव में रहेगा, लेकिन पॉसेसिव में जीरेंड के पहले पॉसेसिव प्रोनाउन रहेगा, जीरेंड के पहले पॉसेसिव प्रोनाउन रहेगा। सो ये 6 रूल थे। अब चलिए कुछ और रूल है उसको भी देखते हैं। तो भाई सब 7th रूल की बात करते हैं, सिंपल सा रूल है, 8 का यूज है। 8 का कहाँ यूज होता है? इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, जो इट होता है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। ये सबको पता है, सिंपल चीज है, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, कंट्री रहे, बेबी रहे, और जो चीज होती है। जैसे एग्जाम्पल है लेते हैं, Where is your cat? अब इस cat की बात कर रहा है, cat कहाँ है? अब इसकी जगह पे it का यूज हो गया है। सो बस ये सिंपल it का यूज था। बट अब 8th जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। पर्सनल, पर्सन वन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, ठीक है। इन सीक्वेंस में लिखते हैं, सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। 2, 3, 1, जब दो तीन पर्सन एक ही में आ जाए, पर्सनल प्रोनाउन आई मी एंड यू, ऐसे सारे जब चीज़ें, ऐसे सारे प्रोनाउन जब एक ही में आ जाएगा, तो उसका सीक्वेंस लिखना पड़ेगा ना, पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे कि सेकंड पर्सन, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या है? 2, 3, 1 फॉर लीगल वर्क के लिए, 2, 3, 1 फॉर लीगल वर्क, एंड 1, 2, 3 फॉर इलीगल वर्क, 1, 2, 3 फॉर इलीगल वर्क, मतलब पहले सेकेंड पर्सन लिखेंगे थर्ड पर्सन तब फर्स्ट पर्सन फॉर लीगल, लेकिन फर्स्ट पर्सन पहले तब सेकेंड तब थर्ड फॉर इलीगल वर्क। जैसे इलीगल वर्क यहाँ पे है, यू ही एंड आई विल बी पनिश्ड फॉर हिज क्राइम, इट्स इलीगल वर्क। इलीगल के लिए क्या बोला? 1, 2, 3 पहले फर्स्ट पर्सन रहना चाहिए, यू क्या है? सेकंड पर्सन, ए क्या है? थर्ड पर्सन, सेकंड थर्ड फर्स्ट आगे, मतलब ये हो ही नहीं सकता, ये टोटल रॉन्ग हो गया। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, मतलब ये सही है। इलीगल वर्क के लिए है, ये इलीगल वर्क के लिए, लीगल वर्क के लिए 2, 3, 1 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अब नोट इसमें करना है, तो कभी ये 3 आया है, 3 आ गया, मान लेते हैं सही है 3 है, कभी 2 भी आ सकता है, तब क्या करें? सो देखिए, 2 पर्सन ऑफ अ प्रोनाउन, जब 2 पर्सन आ जाए, 2 पर्सन ऑफ प्रोनाउन आ जाए, तो क्या रहना चाहिए? 2, उसका रूल क्या रहना चाहिए, सीक्वेंस क्या रहना चाहिए? 2, 3, नहीं तो 2, 1, नहीं तो 3, 1, मतलब हो सकता है वहाँ पे थर्ड पर्सन भी रहे, फर्स्ट पर्सन भी रहे। अभी तो डिराइव है नहीं कि यू ही सभी रह सकता है, हो सकता है ही रहे और आई रहे, ही रहे आई रहे, तो ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो इस रूल को फॉलो करेंगे, 3 और 1, तो 3 और 1 लिखेंगे। समझ में आया? हाँ। अब देखिए, अगर मान लीजिए यू रहे और आई रहे, यू और आई रहे, तो इस रूल को फॉलो करेंगे 2, 1 को। समझ गए? जैसे अब और कुछ और भी हो सकता है, जैसे 3 पर्सन प्रोनाउन, 3 भी आ सकता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, 3 पर्सनल प्रोनाउन विद प्लूरल, 3 पर्सनल प्रोनाउन आ जाए बट प्लूरल रहे, तो वहाँ पे सीक्वेंस जो है ना वही रहेगा, कोई इसमें इलीगल लीगल मैटर नहीं करता, सेम सीक्वेंस रहेगा, बट वहाँ पे प्लूरल रहना चाहिए। अब एग्जांपल समझते हैं, यू एंड ही वेंट टू स्कूल, यू एंड ही वेंट टू स्कूल, यू क्या है? सेकेंड पर्सन है, ही क्या है? थर्ड पर्सन है, सेकेंड थर्ड का रूल है ना, हाँ सेकेंड थर्ड आगे, मतलब क्या है? सही है। यू एंड आई स्टडी हियर, यू क्या है? सेकेंड पर्सन है,
आई क्या फर्स्ट पर्सन, टू वन का बना है ना, टू वन मतलब वहां सही है, समझिए। यू यू दे एंड वी, ये समझने वाली बात है, समझने वाली में यू दे एंड वी आर गोइंग। सो भाई सब यहाँ इसको देखने वाली बात है, यू दे एंड वी आर गोइंग हियर, ठीक है। यू क्या है सेकेंड पर्सन, दे क्या है थर्ड पर्सन, अब वी क्या है, वी क्या है फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड थर्ड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फर्स्ट का कुछ मैटर है नहीं है, नहीं है। सो अब देखिए तो मतलब क्या हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इसको देखिए, वी यू एंड दे आर गोइंग होम, वी क्या है फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है सेकेंड पर्सन है, दे क्या है थर्ड पर्सन। अभी बोला है ना यहाँ पे वी यू दे, ये सब क्या है प्लूरल है। अब ये जब प्लूरल है इसका मैटर, ये इसका एग्जाम्पल है, ये सब प्लूरल है, यहाँ पर भी प्लूरल था लेकिन सीक्वेंस वन टू थ्री रहना चाहिए, सीक्वेंस वन टू थ्री रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टू थ्री वन था इसीलिए रॉन्ग हो गया है। और जबकि यहाँ पे वन टू थ्री सीक्वेंस है, प्लूरल है, तो कोई लीगल इलीगल मैटर करेगा नहीं, यहाँ पे लीगल इलीगल मैटर करेगा नहीं, वन टू थ्री सीक्वेंस में रहेगा, तो मतलब क्या सही है। वी यू एंड दे आर गोइंग होम इज द राइट सेंटेंस। सो ये थे एट वाला रूल था। अब चलिए एक लास्ट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, वो भी आठवां रूल, सॉरी नौवां रूल मतलब लास्ट रूल पढ़ लेते हैं और तब समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, ये पर्सनल प्रोनाउन तब खत्म हो जाएगा बहुत अच्छे से। हाँ सो गाइस चलिए अब लास्ट टॉपिक को बात कर लेते हैं, जो नाइन्थ टॉपिक है, नाइन्थ रूल है पर्सनल प्रोनाउन का। इसके बाद आप पर्सनल प्रोनाउन में सब कुछ सीख जाएंगे, किसी भी एरर को फाइंड करना रहेगा आसानी से फाइंड कर देंगे। सो नाइन्थ रूल क्या बोलते हैं, टू नाउन्स अटैच्ड विद एज एज वेल एज एंड विद, या दो रहेंगे एज वेल एज या विद, एज वेल एज या विद के साथ अगर दो नाउन अटैच हैं, सो क्या होगा उसमें, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव विल बी यूज्ड, प्रोनाउन और एडजेक्टिव यूज्ड होगा अकॉर्डिंग टू, जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव यूज होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, उसके नंबर के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग, और केस ऑफ द फर्स्ट नाउन, केस क्या है उसके केस के अकॉर्डिंग, नाउन जेंडर पर्सन एंड केस ऑफ फर्स्ट नाउन, इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन और एडजेक्टिव का होगा, उसको लिखेंगे। सो एग्जाम्पल से समझते हैं, बाइनरी एज वेल एज हिज फ्रेंड, कोई नाम है, ये कोई नाम है, बाइनरी एज वेल एज हिज फ्रेंड इज डूइंग हिज वर्क, समझने वाली है। यहाँ पे बाइनरी एज वेल एज बाइंड एज वेल एज के बाद इसके पहले क्या है, नाउन है, नाउन आया है इसका, इससे अटैच नाउन है, ठीक है, हिज फ्रेंड। अब बाइनरी क्या है, ही है, इसकी बात कर रहा है हिज फ्रेंड, नंबर से देखें नंबर क्या है, एक नंबर है, तो यहाँ पे हिज वर्क मतलब क्या है, सही है। नंबर वन जेंडर देखा, जेंडर भी हिज के, पर्सन देखा, पर्सन क्या था थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन है, समझ गए। अब देखिए बाइनरी एज वेल एज, बाइनरी क्या है, ये आपका जैसे कि यहाँ पे देखा, ये बाइनरी एज वेल एज, इसके बाद नाउन है एज एज वेल एज, तो ये आपका वर्ड है, तो हिज 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 फ्रेंड जो हिज है आपका थर्ड पर्सन है, यहाँ पे देख सकते हो थर्ड पर्सन नंबर हो गया, जेंडर हो गया, पर्सन हो गया, पर्सन थर्ड पर्सन है, यहाँ पे देयर देयर थर्ड पर्सन नहीं है, देयर सॉरी थर्ड पर्सन, देयर थर्ड पर्सन यहाँ पे देयर भी है, लेकिन यहाँ पे ही हिज हिज का हिज होगा, लेकिन यहाँ पे देयर होगा इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए द गर्ल विथ देयर, विद के बाद विद के पहले यहाँ पे द गर्ल आया, गर्ल क्या है, एक नाउन है, नाउन है यहाँ पे देयर पेरेंट्स, गर्ल का देयर पेरेंट्स हो ही नहीं सकता इसीलिए यहाँ पे टोटली यही रॉन्ग होगा, द गर्ल विद हर पेरेंट्स हैव गॉन टू द सी मूवी, मतलब ये सही है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो ये थे नौ रूल थे जो पर्सनल प्रोनाउन के, आई होप डैट बहुत अच्छे समझ में आया होगा, वो वीडियो बहुत लंबी हो गई है सो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन इस सेशन में कंप्लीट हो पाया है पार्ट टू में। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइए अगला वीडियो चाहिए कि नहीं, चाहिए तो है, जरूरी तो है। सो अगला वीडियो आएगा सो उसके पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून।